जिसमें दिमाग पर जिस प्रेशर की बात की जा रही थी, उस प्रेशर को मापने और समझने की मशीन भी बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी में देखने को मिली। इस मशीन के बारे में कहा जा रहा है कि ये मशीन अमेरिका और जर्मनी में भारत का नाम रोशन कर रही है। मेड इन इंडिया के तहत बनाई गई ये मशीन पूरी दुनिया में शोहरत हासिल कर रही है। साफ इस स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ पर जिन्होंने प्रोडक्ट तैयार किया है मार्केट में लेके आए, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ चल रहा है स्क्रीन पर? तो ये स्क्रीन पे हम ये बता सकते हैं कि कब आपके सेंसर्स कनेक्टेड हैं, पहली चीज, और आपके ब्रेन की क्या एक्टिविटी चल रही है। तो इसमें आप जैसे देखेंगे कि अगर आपका ध्यान, आपने ब्लिंक किया, ब्लिंक करिए, तो इसमें आप ये देखेंगे कि बार बार रेड होती है जब भी आप ब्लिंक करते हैं। जैसे ही आपका ध्यान भटकेगा ये इस चीज को डिटेक्ट करेगी। ये है रॉ डेटा जो न्यूरो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स तो समझ सकते हैं, पर एक कॉमन आदमी नहीं समझ सकता। अब अगर हम समझ नहीं सकते तो हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया, इस डेटा को मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर दिया। मुझे वो दे प्रोजेक्टर का। आप ये देखेंगे कि हमने इसे मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब मैं आपको आपके फोकस लेवल्स, डिस्ट्रैक्शन लेवल्स और काम लेवल्स दिखा सकती हूँ। अगर आप इस डिवाइस को 15 मिनट पहनते हैं, 15 मिनट में आपका ध्यान, आपने पहले ध्यान लगाया, फिर आपने सोचा अरे यार आज तो मेरे साथ ये हो गया था, ओ मेरे को तो ये, अच्छा मैं ठीक कर भी रहा हूँ, अच्छा शिट मेरे को तो ध्यान ही वापस लाना था, मुझे तो भगवान में, म्यूजिक में, मेडिटेशन करनी थी। मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं पर हम करते नहीं हैं, क्योंकि कितना वक्त लगा इस डिवाइस को तैयार करने में? 3 साल। ये स्टार्टअप के तहत तैयार किया गया है, मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट? हाँ जी, कम्प्लीटली मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। क्या रिस्पांस और क्या रिजल्ट? हमारा रिस्पांस एक्चुअली बहुत अच्छा रहा है। हमने पहले प्रोडक्ट खाली इंडिया और जर्मनी में लॉन्च किया था क्योंकि मैंने जर्मनी से पढ़ाई करी थी, बट रिस्पांस स्टार्टिंग के फेज में इतना अच्छा था कि हमको यूएस में जाकर लॉन्च करना पड़ा था प्रोडक्ट। हमने 6 कंट्री में 60-70 प्लस प्रोडक्ट्स बेचे हैं। DRDO, IISc, CDAC, कैनेडा स्टार्टअप्स के साथ भी हम कनेक्टेड हैं। ऐसे दिमाग में आया कि क्या आमिर खान की उस मूवी 3 इडियट से आया या फिर कहीं और से? मेरी एल्डर सिस्टर को ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था, तो वो हॉस्पिटल गई थी चेकअप कराने, वहाँ पे उनको गई थी वॉकिंग और टॉकिंग, बट फ्यू डेज के विद इन उसने सारे कॉग्निशंस लूज कर दिए, तो उनको पैरालिसिस अटैक पड़ा था और वो 25 की एज में 5 महीने के लिए स्ट्रोक ICU में थी। इवेंचुअली शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दैट ब्रेन इन्फेक्शन, और तभी से मेरा ब्रेन को लेके काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया था। मुझे भी यू आर इंजीनियर और डॉक्टर? इंजीनियर। इंजीनियर ने ब्रेन नापने का तरीका जो है वो इजाद कर लिया है कि स्ट्रेस कितना है और कितना नहीं। हाँ जी बिल्कुल से। तो देखिए ये वो मशीन है जो मेरे ऊपर आप देख सकते हैं पे लगी हुई है, और यहाँ पर वो काउंट्स साफ नज़र आते हैं, और इन काउंट्स के जरिए आप देख सकते हैं कि क्या इस वक्त की स्ट्रेस है और किस तरह से हमारा दिमाग जो है वो वर्कआउट कर रहा है।